चीन के कोरोना ने अरब देशों का कैसे तेल निकाल दिया है, इसका अंदाज़ा आप सऊदी अरब के द्वारा लिए गए इस कड़े फैसले से लगा सकते हैं। हालांकि इस फैसले से सऊदी अरब में रह रहे 26 लाख भारतीयों के साथ साथ भारत को भी तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिने जाने वाले सऊदी अरब ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जो प्रवासी भारतवासियों को जीते जी मार देगा। सऊदी अरब के वित्त मंत्री मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से अर्थव्यवस्था पर जो चोट पहुंची है उससे निपटने के लिए कड़े और तकलीफ देह फैसले लिए जाएंगे। सऊदी अरब अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों को सैलरी में 40% तक की कटौती करने की इजाज़त देने जा रहा है। अरब के प्रमुख अखबार अशराक अल अबसाद की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक संकट को देखते हुए सऊदी अरब में काम कर रहे लोगों के कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म किए जा सकते हैं। सऊदी अरब में 26 लाख भारतीय रहते हैं और इस फैसले का उन पर भी बेहद बुरा असर पड़ेगा। नए नियमों के तहत कोरोना वायरस की महामारी के 6 महीने बाद कंपनियों को एम्प्लॉय के कॉन्ट्रैक्ट को भी रद्द करने का भी हक होगा। हालांकि एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का फैसला जल्दबाजी में ना उठाएं, इसके लिए उन्हें सरकारी सब्सिडी जैसे मजदूरों के वेतन भत्ते मदद या सरकारी शुल्क से छूट मिलनी जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के लिए 3 शर्तें भी रखी गई हैं। बता दें, भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां के लोग विदेशों में रहकर भारत सबसे ज़्यादा पैसे भेजते हैं। सऊदी के इस फैसले से वाकई में भारत के साथ साथ भारतीयों को भी बड़ा झटका लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश सऊदी अरब ऐतिहासिक रूप से तेल की कम कीमतों से जूझ रहा है। सऊदी अरब के केंद्रीय बैंक में विदेशी मुद्रा भंडार मार्च महीने में पिछले 20 सालों में सबसे तेजी से गिरा है, जिसकी वजह से अब सऊदी अरब को इस तरह के कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं।